नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। यूक्रेन और रूस की जंग का आज 34वां दिन है। लगातार होने वाली रूसी हमलों से अब यूक्रेन थर्रा उठा है। कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा त्रासदी मारियूपोल में हुई है। खबरों के मुताबिक इस शहर में रूसी हमलों में 5,000 लोग मारे जा चुके हैं। दर्द की दास्तां इतनी गहरी है कि हजारों लोग बेघर हो गए हैं, अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं। कब कौन सा बम पल भर में ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, ये डर आज भी यहाँ के लोगों को सता रहा है। हालात ऐसे हैं कि मृतकों को पार्कों और स्कूलों में दफन किया जा रहा है। रूस ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई है कि 90% इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। बता दें कि ये वही मारियूपोल है जिसमें सबसे पहले रूस ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। कहा गया था कि जंग में फंसे लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा, उनके लिए एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा, सेफ पैसेज उपलब्ध कराया जाएगा ताकि लोग आसानी से यहाँ से निकल सके। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत, क्योंकि इसी शहर में रूसी सैनिकों ने सड़क पर उतरकर लोगों पर अंधाधुंध हमले किए। रूसी विमानों ने इतने एयर स्ट्राइक किए कि फिजाओं में गंद और घरों से धुआं उठता दिखाई देता है। यूक्रेन ने मारियूपोल की तबाही की तुलना सीरिया के एलेप्पो से की है। दावा किया गया है कि मृतकों को कब्रिस्तान तक ले जाना मुश्किल हो रहा है, इसके चलते पार्कों और स्कूलों में शवों को दफना दिया जा रहा है। वहीं मारियूपोल में संचार सेवा भी ठप हो गई है, लोग अपने परिजनों से बात नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए लोग सोशल मीडिया पर ही निर्भर हो गए हैं। जंग की शुरुआत में रूस ने कीव को टारगेट किया, लगातार हमले किए गए। कहा गया कि वह सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही अपना निशाना बनाएगा, लेकिन रूस ने जंग में सब जायज वाली कहावत को साबित कर दिया। रूसी सैनिकों ने न सिर्फ सैन्य अड्डों बल्कि रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। कीव के बाद बारी आई खारकीव की, जहां रूस ने अंधाधुंध अटैक किए। यहां कई लोगों की जान हमले में चली गई, लेकिन सबसे खतरनाक मंजर मारियूपोल का रहा। मारियूपोल में रूस ने उस ब्रिज को तबाह कर दिया जो शहर को राजधानी कीव से जोड़ता था। जैसे जैसे जंग बढ़ती गई, रूसी सैनिक शहर दर शहर में घुसते गए और तबाही मचाते गए। मारियूपोल के मेयर के प्रवक्ता ने कहा कि हमने अपने 5,000 लोगों को खो दिया है, एक हंसता खेलता शहर तबाह हो गया। यहाँ हालात काफ़ी ख़राब हैं, 90% इमारतें खंडर बन चुकी हैं। वहीं एक शर्मसार करने वाली घटना में यूक्रेन की एक महिला ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद उसका रेप किया। इस घटना से डरा हुआ उसका 4 साल का बेटा बगल के कमरे में रो रहा था। उनके आरोपों की अब अधिकारी जांच करेंगे। उसने द टाइम्स को बताया, मैंने एक ही शॉट सुना, गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी, इसके बाद घर में कदमों की आहट सुनाई दी। उसने बताया कि 9 मार्च को रूसी सैनिकों ने पहले उसके पालतू कुत्ते को मार डाला, फिर उसके पति को गोली मार दी। महिला ने कहा, मैं खूब रोई, पति के बारे में पूछा, फिर मैंने बाहर देखा तो वो घर के दरवाजे पर खड़े थे। एक सैनिक ने मेरे सिर पर बंदूक तान दी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पति को गोली मार दी क्योंकि वह नाजी है। इसके बाद रूसी सैनिकों ने बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया और चुप नहीं रहने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने कहा कि उसने कहा कि बेहतर होगा कि तुम चुप रहो या मैं तुम्हारे बच्चे को लाऊंगी और उसे दिखाऊंगा। महिला ने उस कथित घटना को याद करते हुए कहा, उसने मुझे अपने कपड़े उतारने के लिए कहा, फिर उन दोनों ने एक के बाद एक मेरे साथ बलात्कार किया। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की मेरा बेटा बॉयलर रूम में रो रहा है। उन्होंने मुझे उसे चुप रहने और वापस आने के लिए कहा। हर समय उन्होंने मेरे सिर से बंदूक तान रखी थी। महिला अब पति का शव छोड़कर घर से भाग गई है। उसने कहा, हम उसे दफन नहीं कर सकते, हम गांव नहीं जा सकते क्योंकि गांव अब भी रूसी सैनिकों से भरा हुआ है। रूस की क्रूरता का आलम ऐसा रहा है कि सैनिकों ने वहाँ एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक कर दी। स्कूल में 400 लोगों ने शहन ली हुई थी। साफ है कि 33 दिन में यूक्रेन के मारियूपोल समेत कई शहरों की सूरत बदल दी गई है। लोग खाने पीने के लिए परेशान हैं, लंबी लाइनों में घंटों इंतज़ार के बाद थोड़ा सा खाना नसीब हो रहा है।